सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं हूं दीपक, और जैसे कि आज आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आज आपके लिए और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबके लिए गुड न्यूज़ है। ये देखो, पासपोर्ट और मेरी टिकट हो रही है। जस्ट वेट। ये देखो दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ कुवैत जा रहा हूँ, और मेरी अभी सुबह मॉर्निंग की 4 बजे की फ़्लाइट है, और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट था मेरा, तो मैं काफ़ी नर्वस था, और चीज़ें कैसे क्या करनी है मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था, तो उस चक्कर में मैं स्टार्टिंग से ब्लॉग नहीं बना पाया। अभी हमने अंदर एंट्री कर ली है एयरपोर्ट के, बाकी जो प्रोसेस होनी थी वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर ली है, और अब हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 22 पे। तो दोस्तों आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ कैसा है। तो दोस्तों यहाँ अंदर एयरपोर्ट में कुछ इस तरीके का व्यू है। काफ़ी ज़्यादा कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। 12 बजे हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली के एयरपोर्ट पे, तो अभी भी प्रोसेस अंदर की प्रोसेस सारी होने में ही है, थोड़ी बहुत कुछ बहुत पेंडिंग रह गया। तो फ्लाइट है मेरी 4 बजे की। सभी से यही माफ़ी चाहूँगा कि यार मैं चीज़ें स्टार्टिंग से, मैं सोच काफ़ी पहले से रहा था कि मैं ब्लॉग वगैरह करूँगा, बट चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि मैं नहीं कर पाया। अभी अंदर जाके थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो मैं एक मिनी ब्लॉग सा बना रहा हूँ। तो कुवैत जाके मैं आपको कंटिन्यू वहाँ पर, अगर जितना जैसा भी रहेगा मैं वहाँ पर आपको ब्लॉग कंटिन्यू देता रहूँगा वहाँ की नई नई चीज़ों का। हम लोग जा रहे हैं गेट नंबर 22A, और ये आगे से जो दो लोग जा रहे हैं ये भी साथ में ही है मेरे, ये भी मेरे साथ कुवैती चल रहे हैं। जा रहे हो इधर से? अरे इधर से चलो यार, चलने से रह जाओगे। कुछ खाना है? आओ इधर से, आओ इधर से। अरे आ जाओ यार। ओ हो हो, ये मीट माय फ्रेंड, ये विजय भाई जो कि और पीछे सुरेंद्र भाई जो कि गढ़वाल से हैं। विजय भाई तो अपने इधर कुमाऊं से ही हैं, जैसे कि मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ वहीं से ही हैं। तो हम तीनों जा रहे हैं एक साथ में ही फ्लाइट में कुवैत। तो आपको बाकी ये दोनों तो वहाँ पे भी कंटिन्यू मिलेंगे उधर के ब्लॉग में। और तो दोस्तों फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट हो गई है, और पासपोर्ट पकड़ के हम लोग वेटिंग रूम पर बैठे हुए हैं। फ़्लाइट है मॉर्निंग के 4 बजे की। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 3, और अभी 1 घंटा पूरा है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फाइनली हमारा नंबर आ गया है, और हम लोग जा रहे हैं अभी फ़्लाइट की तरफ, और ये छोटा सा मिला हुआ है बस लास्ट। ये तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ, और देखते हैं। विजय भाई काफ़ी बार ट्रैवल कर चुके हैं, इंडिया मिस करना हमें। कब आएंगे आप? सुरेंद्र भाई आप क्या बोलना चाहोगे? ये बस कुछ करते रहेंगे। अपनी अपनी मिसेस के लिए बोलो। नहीं यार, क्या बात कर रहा भैया। जेम जेम, हम साथ साथ हैं, इतना बोल सकते हैं हम भाई। चलो लेट्स सी, आपको भी दिखाते हैं। पूरा ब्लॉग बन सकता है। अभी वहाँ पे सिर्फ फोन फ्लाइट मोड पे रखना है बस। हाँ, फोन फ्लाइट मोड पे। ओ माय गॉड, सही है बाबा, सही है। ओनली बोर्डिंग पास। थैंक यू। कहाँ पे लिखा हुआ है सीट नंबर? मुझे तो नोटिस ही नहीं हो रहा।
अच्छा होगा। ABC मैं जाऊंगा लास्ट में। ओह गॉड, तो दोस्तों इससे आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैं 2-3 रातों से सोया नहीं था, जिसकी वजह से मुझे फ़्लाइट में बैठने के बाद बहुत जल्दी नींद आ गई थी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि आपको आगे की जर्नी का वीडियो मैं ब्लॉग के द्वारा आप तक पहुँचा नहीं पाया। और दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आगे को जितना भी पॉसिबल होगा मैं आप तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करूँगा कुवैत से रिलेटेड। और कुवैत पहुँचने के बाद हम लोग रात में पहुँचे थे तो नाइट में कैसा व्यू दिख रहा था वो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच चैनल में बने रहने के लिए।